यूनिक कंप्यूटर सेंटर की आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम लोग जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज होती हैं, अकाउंट्स की जो शब्दावली होती है, जिनको कल मैंने कंपेयर किया था कि एक फिल्म के किरदार, उनके बारे में पढ़ाई करेंगे कि जब हम अकाउंट्स लिखेंगे तो कौन कौन से किरदार हमारे सामने आएंगे या किन किन किरदारों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। जब हम अकाउंट्स लिखना सीखते हैं तो हमें चार चीजों का हिसाब किताब रखना होता है। अकाउंट्स बोले तो हिसाब किताब रखना, एक होता है लाइबिलिटीज, देनदारियां, जो पैसा आपने देना है। एक होता है एसेट्स, संपत्ति एवं लेनदारियां, एक्सपेंसेस, खर्चे, इनकम, आय। और पांचवी चीज यहां पर होती है कैपिटल अकाउंट, हाँ मालिक कह लो इसको। अच्छा मैं तो इसको मजाक में भगवान भी कह देता हूं, भगवान के लिए भी तो मालिक शब्द इस्तेमाल होता है कि इस बिजनेस का मालिक तो बेचारा यही होता है कि नफा हो या नुकसान हो, किसका होता है? मालिक का। फिर हमने समझा कि लाइबिलिटीज कई प्रकार की होती है, लाइबिलिटीज कई प्रकार की होती हैं, और इनमें सबसे पहले नाम किसका आता है? हाँ अब समझना आप लोग, घर में खाना बनाया जाता है तो सबसे पहली रोटी या जो पहला टूक निकाला जाता है किसका निकाला जाता है? भगवान का। तो जब लाइबिलिटीज लिखी जाती है ना तो सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? कैपिटल अकाउंट, सही है। फिर उसके बाद लिखा जाता है कि हमने पैसा थोड़ा बहुत इधर उधर से किया होगा बिजनेस को रन करने के लिए, तो जो हमने पैसा उधारा लिया वो आएगा लोन्स लाइबिलिटी में। इसके भी मुख्य तौर पे ध्यान देना, अगर मैं मुख्य तौर बोल रहा हूँ ना तो इसका मतलब 19-20 का फर्क हो जाएगा। हाँ लेकिन वो फर्क 2019 और 2020 वाला ना होगा कि इतना मेजर फर्क हो जाएगा, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है, ठीक है। मतलब उसमें कुछ और भी छुपा हुआ है जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य तौर पे दो प्रकार के बनाए गए हैं, एक को नाम दिया गया सिक्योर्ड लोन और दूसरे को नाम दिया गया अनसिक्योर्ड लोन, सही है। सिक्योर्ड लोन में हम लोग ऐसे लोन रखते हैं जिनके बदले में हमने सिक्योरिटी दी हो, और अनसिक्योर्ड लोन में हम वो लोन रखते हैं जो हमने अपने किसी जानकार से ले लिया हो। उसके बाद क्या लिखना होता है? करंट लाइबिलिटीज, चालू देनदारियां, क्या बोलेंगे? चालू देनदारियां। अब ये निकट भविष्य की देनदारियां होती है, ये वो वाली नहीं है कि इस साल सामान खरीदो और कहो कि अगले साल पैसा दूंगा, दुकानदार कहेगा भाई उजाड़ेगा क्या है, चल आसमान लेके जा रहा है, हफ्ते में दे दियो, 2 हफ्ते में दे दियो, महीने में दे दियो, 2 महीने में दे दियो, ये कौन सी बात है कि इस साल सामान लूंगा और अगले साल पैसा दूंगा, वो ना है ये, सही है। उसके बाद जब हमने इसको गहराई से पढ़ा तो क्या नाम आया सबसे पहले? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री का मतलब विविध, अनेकों प्रकार का, और क्रेडिटर्स का मतलब होता है सप्लायर, जो हमें गुड्स का या सर्विसेज का सप्लाई करता है। अच्छा कई बार तो ना मैं इसको मजाक मजाक में कई बार मैं इसको मजाक मजाक में पता है किसके साथ कंपेयर करता हूं? हरियाणा में एक शब्द होता है रिश्तेदार, रिश्तेदार आया भाई। अच्छा किसके लिए बोलते हैं हम रिश्तेदार? जो मेरी बहन का पति देव आया, सही बात है, क्या बोलते हैं? रिश्तेदार आ रहे हैं। अच्छा अगर बहन का पति आओगा, ध्यान देना, बहन का पति आएगा तो क्या होगा? बोला जी उसकी अच्छी सेवा पानी करनी पड़ेगी, और जाती है ना जब वो जाएगा तो जाते हो तो उसकी मान करनी पड़ती है, तो क्या होता? हमेशा वो हमारा खर्चा करवा के जाता है, मतलब हमने उसको हमेशा देना ही होता है। या कभी ऐसा होता है वो अभिमान करके जाता हमारी, कभी ना होता ऐसा। तो कुछ कुछ जो है ना, कुछ कुछ
कुछ कुछ इनका नेचर भी उन्हीं जैसा होता है। ये जब भी दुकान पे आके बैठेंगे ना कुछ लेके उठेंगे, बिना लिए ये तो जाने ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा ऑलवेज अकाउंट्स में हमने इनका देना होता है। बिजनेस के अकॉर्डिंग बात करूं तो हमेशा हमने इनका देना होता है। संस्कृति के अकॉर्डिंग बात करूं, कल्चर के अकॉर्डिंग बात करूं, तो क्या कभी ऐसा होगा कि हम अपने फूफे अजीत जैसे मान खुद करवाएंगे? कभी ना होता। हमने उनकी करनी होती है, तो वो तो हमारी संस्कृति है, मान्यताएं हैं, ये हमारे बिजनेस की है कि क्योंकि हमने इनसे उधार में सामान खरीद रखा है तो हमेशा इनका बकाया खड़ा होता है। कभी ना ऐसा होगा कि हमने इनसे लेना निकलेगा, रेयर चांस अगर कभी होगा तो रेयर होगा, अदरवाइज हमेशा क्या होगा, हम इनसे उधार में खरीदते रहेंगे, 100 रुपए के भाव खरीदेंगे, 120 के भाव बेचेंगे। सही बात है। तो जब इनसे उधार में खरीदेंगे तो सदैव क्या चलेगा, हमेशा इनका देना आएगा। सही है। और एक बात बताऊं आपको, यहां पर अगर मान लो कभी ऐसा लिखा हो, मैंने लिखा राम एंड कंपनी 15,000 रुपये क्रेडिट, सही है, और मैंने लिखा श्याम एंड कंपनी 20,000 रुपये डेबिट। लाओ अकाउंट पढ़ना सिखाता हूं। अकाउंट लिखना भी सीखना पड़ेगा और पढ़ना भी सीखना पड़ेगा। सही है। जब ऐसे लिखा होगा राम एंड कंपनी और उसके साथ में CR डॉट, तो क्या पढ़ेंगे? क्रेडिट। तो ये जो क्रेडिट है ना, इसका मतलब है ये पैसा अपने देना है। क्या करना है? देना है, ध्यान देना। और अगर ऐसे लिखा होगा डेबिट, तो क्या होगा इसका मतलब? लेना है। अब जिसने कॉमर्स ना पढ़ रखी, बस वो ये पॉइंट पकड़ लो, तुम जिंदगी में आगे गलती ना कर सकते कि जब जिसका बैलेंस डेबिट में होगा, जिस पार्टी का ध्यान देना, इसको बताता हूं, आपको समझाता हूं। या तो ये कोई इंसान का नाम होगा, या इंसान का नेतृत्व करेगा, जैसे कि कंपनी का नाम, दुकान का नाम, बैंक का नाम, इनको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट का मैंने आपको छोटा सा नियम समझा दिया। पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो किसी पर्सन संस्था से संबंधित होते हैं। आगे पढ़ाऊंगा आपको कि ये तीन प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, इनमें से एक अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। सही है। जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या संस्था से संबंध रखते हैं या उनका नेतृत्व करते हैं, ये भी हो सकता है। सही है। जबकि यहीं पर अगर मैं एक और बहुत आसान वर्ड होता है, दैट इज फिक्स्ड एसेट, स्थायी संपत्ति, सॉरी गलत बोल गया। तीन तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, नॉमिनल और रियल। ये गलत बोल लिख गया था मैं कंफ्यूज हो गया, इसलिए लिखते लिखते। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? वास्तविक अकाउंट। लिखना कम और सुनना ज्यादा और देखना ज्यादा, तुम्हारा काम है देखने का। सही है। रियल अकाउंट कौन से होते हैं? वास्तविक। और रियल अकाउंट्स का एग्जाम्पल बताऊं, रियल अकाउंट्स में आते कैश सबसे पहली बात। सही है। और अभी आज जो पढ़ाऊंगा, क्षमा चाहूंगा अभी तक ये वर्ड पढ़ाया नहीं है, लेकिन अभी पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, इसलिए पहले लिखवा के छोड़ रहा हूं। सही है। बस ये दो बातें लिख लो, अगर आप कॉपी में लिखना चाहते हो ये बातें लिख लो, क्योंकि ये वाली बातें अभी मैं यहां से इरेज करूंगा, ये रफ काम हो गया। चलो डिलीट नहीं करूंगा, थोड़ा साइड में कर देता हूँ, करो ठीक है, साइड में पड़ा रहेगा, रफ एरिया ही हमारा। बस या मैं आपसे पता है क्या चाहता हूँ कि तुम्हें बस इतना पता चले, किसी पार्टी, कंपनी या बैंक का नाम लिखा हो और अगर उसका बैलेंस क्रेडिट
क्रेडिट में दिखा रहा है तो हमने देना है, और अगर डेबिट में दिखा रहा है तो लेना। बस इतनी बात, मैं आपको अपने तरीके से अकाउंट सिखाऊंगा, ये मेरा खुद का रिसर्च है। इसके लिए अगर मैं शोध रिसर्च शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो गलत नहीं है, क्योंकि 7-8 साल मैंने एज एन अकाउंटेंट काम किया हुआ। एज एन अकाउंटेंट मैंने सीखा कि अकाउंट्स कंपनियों में लिखा कैसे जाता है, और पिछले 15 से भी अब 16 ही जोड़ लो, क्योंकि 2005 से लगा पढ़ा हूँ, 21 आने वाला है, तो 2005 से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, और साल के 365 दिन पढ़ाने वाला मैं टीचर हूँ, और डेली मेरे 8-7 बैच जरूर होते हैं। तो मैंने अपनी खुद की एक तरह से वो बना रखी है कि भाई किस तरह से बच्चों को ये चीजें सिखाई जा सकती है। चलिए अब आ जाते हैं वापस, और 3 शब्द मैं आपको पढ़ा रहा था कि सनी क्रेडिटर्स मैंने आपको पढ़ा दिया था, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जो गवर्नमेंट को हमने टैक्स पे करने होते हैं। अच्छा बढ़िया, आजकल हम क्लास से रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज मैं कई बार बच्चों को ये कहता कि अपना मोबाइल फोन यहाँ रख दे और मैं जो बोलूँ उसको रिकॉर्ड कर ले, ताकि कल तू जब गलत जवाब देगा तो मैं तेरी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा तेरे को कि मैंने क्या पढ़ाया था और तूने क्या बोला। अब तुम तो फंस गए, तुम्हारी तो क्लास ही रिकॉर्ड होती है पूरी, कि मैं तो तुम्हें ये कहूंगा रिकॉर्डिंग चेक करके बता मैंने इसके बारे में क्या पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया कि ड्यूटीज एंड टैक्सेज में वे गवर्नमेंट के टैक्स आते हैं जो हमने पे करने होते हैं, समझना, पे ना किए हैं, करने होते हैं। अब मैंने आज एक बिल काटा आपके नाम से, आपने एडमिशन लिया, 10,000 रुपये फीस थी, 18% जीएसटी लगा दिया, 1,800 रुपये बन गया, तो मैं आपसे टोटल लूंगा 11,800 रुपये, 10,000 मेरा, और जो आपने वो ऊपर 1,100 रुपये 1,800 रुपये की मान रख के दी, वो मान किसकी है, मेरी ना, वो तो सरकार क्यों देनी है, वो तुमने मुझे पता कैसे दिया, ले भाई ये सरकार की मान पकड़ो, मान मतलब एक तरह से करी लगा लो यार। हैं आज जो बच्चे दूसरी स्टेट से क्लास लगा रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि हम बहुत सारे लोकल शब्दों का इस्तेमाल करें, यदि कोई ऐसा शब्द है जो आपको समझ में ना आया हो तो आप उस शब्द को कॉपी में लिख लेना, ताकि आप मेरे से बाद में पूछ को, क्योंकि पवन झा जी हैं, उमेश यादव जी हैं, निकुंज किशोर जी हैं, ये दूसरी स्टेट से हैं, तो थोड़ा सा मैं मानता हूं कि जो बोलने का लहजा है, जो शब्दों का इस्तेमाल है, वो स्टेट टू स्टेट अदर हो जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे लास्ट वर्ड क्या था, एक्सपेंसिव पेबल। एक्सपेंसिव पेबल के अंदर क्या आते हैं, वे खर्चे जो खर्च तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने उसको पे नहीं किया, और ये मैंने कल थोड़ा सा जोर दे के कहा था। अच्छा जब मैं किसी बात को जोर दे के कहता हूं ना, तो मैंने एक अपना तकिया कलाम इस्तेमाल कर रखा है कि पॉइंट्स टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अपन मूवी देखते हैं तो जब वकील जोर लगाता है, जब वकील को लगता है कि इस बात से जज का फैसला चेंज हो सकता है, तो वो क्या कहता है हमेशा फिल्मों में, पॉइंट्स टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि इस बात को लिखा जाए। तो वही मैं आपके साथ व्यवहार कर रहा हूं कि भाई ये बात ना समझने की है कि जो खर्चे वाले पैसे हैं उसको तो अलग निकाल लो, और ये खर्चे वाले वो हैं जो डेली बेसिस के होते हैं या मंथली बेसिस के होते हैं, सही है, जिसके अंदर आ गया, मान लो मैंने हर महीने रेंट देना है, सैलरी देना है, बिजली देना, मोबाइल का बिल देना है, मान लो मेरे यहाँ पेट्रोल या डीजल जो डलता है वो भी उधार पे डलता है, तो वो वाला जो पैसा हमने देना है उसको अलग रखो, उसको सप्लायर के साथ मैच ना करो, सही है। इससे तो बढ़िया आप एक काम भी कर सकते हो, अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगे तो, जैसे मैंने नाम दिया एक्सपेंसेस पेबल, और कोई ऐसा व्यक्ति जो कहता ना जी सन्ड्री क्रेडिटर में डालूंगा, तो मैं कहूंगा सन्ड्री क्रेडिटर का एक ग्रुप और बना ले, सन्ड्री क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट, क्या नाम दे दे, सन्ड्री क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट, बस हो गया सिंपल। या दो ग्रुप नजर आया करेंगे बैलेंस शीट में, एक तो सन्ड्री क्रेडिटर, ये आपको अंडरस्टूड हो जाएगा, ये सप्लायर वाला, सही है, और नीचे वाला कौन सा है, वो एक्सपेंसेस वाला है। अदरवाइज मैंने कंपनीज में देखा है, हम लोग तो इसी शब्द का इस्तेमाल करते थे, दैट इज एक्सपेंसेस पेबल। कुछ लोग इसकी जगह लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ लोग इसकी जगह लिखते हैं प्रोविजंस भी निकाल लेते हैं, जो कॉमर्स पढ़ के आए बच्चे तो प्रोविजंस भी डाल देते हैं यहाँ पर,
वो भी क्या होते हैं, एक तरह से अनुमानित खर्चे होते हैं, सही है? तो वट एवर जो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये लीजिए, अब यहां तक हो गया था, अब हम चलेंगे और पढ़ेंगे। ये लेसी की कॉपी कर लेता हूं, ये बाद में मैं इसको ना आपको अलग से, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो एक कंप्लीट पीडीएफ बना के दूंगा इसकी। अभी तो डेली का डेली मिलेगा आपको, जो टॉपिक पूरा होगा तो एक अलग से मिलेगा। आइए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स। और पहले मैं लिख लेता, अभी आप कॉपी की तरफ ना देखिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कॉपी की तरफ नहीं मेरी तरफ देखो, ठीक है? जब मैं लिखू ना तो मेरे लिखते वक्त आपका ध्यान सामने होना जरूरी है। अगर आप सामने देखते रहोगे तो आप बहुत अच्छा सीखोगे, और अगर आपने सामने ना देखा फिर आपका फोकस नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं लिखूं तो आप लोग सामने देखें, तब मजा आएगा। आपको पता तो रहेगा ना मैंने क्या लिखा है, क्योंकि ये फाइल तो मैं आपको वैसे ही देने वाला हूँ। ये लो, अब मैं यहाँ पर कुछ वर्ड लिख लेता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। सही है, क्या लिख दिया मैंने? स्टॉकिन है, ठीक है? अच्छा, इसका एक्चुअल में तो सीक्वेंस अलग तरह का होता है, लेकिन अभी जो मैं आपको फर्स्ट राउंड में लिखवा रहा हूं तो मैं उस सीक्वेंस समझते होगे ना, क्रम, ऑर्डर, उस क्रम से लिखवाना चाहूंगा जिस क्रम से आप जल्दी समझ सको। मतलब एक्चुअल में इसका सीक्वेंस कुछ और होता है कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ आएगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग समझाने में मुझे दिक्कत होता है, क्योंकि अभी हमारा पहला लेवल है। तो मैं केवल आपको उस तरीके से सिखाऊंगा जिसमें आपको जल्दी याद हो जाए। ये लो जी, कैश इन, ठीक है जी? और इसको आप या तो लिखिए कैश एट बैंक अकाउंट, कैश एट बैंक अकाउंट, या सिंपल लिख दीजिए बैंक अकाउंट। सही है, बोलो। अब तीन बातें होगी, मेरे जो करंट एसेट्स होती है, चालू संपत्ति। अब ये जो चालू संपत्ति है ना, ये वो संपत्ति है या तो ऑलरेडी कैश के रूप में मेरे पास होती है, अब मेरे पास नगद कैश है, या मेरे बैंक में पैसा है, एक ही बात है। क्यों भाई, कैश तो कैश ही हुआ ना वो, या फिर मेरी दुकान के अंदर जो सामान सेल्स के लिए रखा हुआ है। पॉइंट्स टू बी नोटेड माई लॉर्ड, मैंने कहा पॉइंट्स टू बी नोटेड माई लॉर्ड, क्योंकि मैं एक गहरी बात कहने जा रहा हूं। जो मेरे हाथ में कैश है वो भी मेरा करंट एसेट्स है, जो मेरे बैंक में पैसा है वो भी मेरा करंट एसेट्स है, जो मेरी दुकान के अंदर सामान है, और कौन सा सामान, जिसको हम गुड्स बोलते हैं, जो सेल्स के लिए अवेलेबल है, नॉट फॉर सेल वाला इसमें इंक्लूड नहीं होगा। मेरी दुकान थी रेडीमेड गारमेंट्स की, तुम आए, अच्छा मैं पैंट शर्ट बेचता हूं, तुमने जिस काउंटर पे खड़ा होकर मैं सामान बेचता हूं उसी का मोल भाव करने लग गए। जी मास्टर जी, वो काउंटर कितने का दोगे? तो मैं क्या कहूंगा, भाई दिस इज नॉट फॉर सेल्स, ये सेल्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके, तो स्टॉक में कौन सा, किस चीज का फिगर आता है? इस चीज का वैल्यू ऐड होगा जो सामान सेल्स के लिए खरीदा हुआ है, सेल्स के लिए दुकान में रखा हुआ है, इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, इसको हम लोग स्टॉक इन हैंड बोलते हैं, इसको हम लोग गुड्स बोलते हैं, इसको हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं, ये बहुत सारे इसके नाम है। सही है, बोलो। आइए अब तीन बातें और बताऊंगा इसमें। इसके अंदर एक आता है लोन एंड एडवांस एसेट्स, लोन एंड एडवांस एसेट्स। अब देखो एसेट शब्द आ गया तो बिल्कुल क्लियर है, इसको लिखा ही बल्कि ऐसे जाता है ऐसे। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है, मैंने किसी को लोन दे दिया, लेकिन यहां पर दिया है, या किसी को एडवांस दे दिया। अब एडवांस मेरा कोई इंप्लॉय है, मैंने उसको एडवांस दे दिया, सही है? तो वो भी मेरी क्या है, करंट एसेट्स है, क्योंकि वो पैसा मैं वापिस ले सकता हूं। गोट इट? तो यहां पर अकाउंट पता है क्या कहता है,
सर सही है, आपने एडवांस दिया, अब एडवांस चाहे मैंने किसी को दिया हो, ध्यान देना, चाहे किसी को दिया हो सकता है अपने सप्लायर को दिया हो, ध्यान देना, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, हो सकता है मैंने अपने किसी सप्लायर को दे दिया हो, और हो सकता है मैंने अपने किसी वर्कर को दे दिया हो सकता है अपने किसी जानकार को दे दिया हो। तो जानकार को एडवांस तो ना देंगे, उसको तो सीधा क्या देंगे, लोन देंगे, क्योंकि उसका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। अब एडवांस किसको दिया जा सकता है, सप्लायर को दिया जा सकता है, अपने वर्कर को दिया जा सकता है, तो क्योंकि वो एडवांस में पैसा गया है, उसके बदले में सामान नहीं लिया, उसके बदले में अपने एम्प्लॉय से सेवा नहीं ली, तो इसका मतलब वो कल को वापिस लिया जा सकता है। दैट्स व्हाई हम उसको कहां पर रखते हैं, करंट एसेट्स में रखते हैं। तो यहां पर एक अकाउंट की गहराई समझाऊं, तो इसी तरह से मान लो मेरा कोई कस्टमर है और वो मुझे एडवांस दे देगा, तो इसका मतलब वो मेरी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। बस ये बात शुरू में समझ में आ जाए ना तो मजा आ जाए। अच्छा मैं आज की गारंटी ना लेता कि तुम्हें समझ में आएगा ये पॉइंट, क्योंकि ये बातें गहरी हैं और पहली बार पढ़ रहे हैं तो कई बार सिर के ऊपर से चली जाती है, लेकिन जब बार बार मैं ऐसे बाउंसर मारता रहूंगा तो तुम बाउंसर खेलने के आदी हो जाओगे, मतलब धीरे धीरे बातों को पकड़ना शुरू कर दो, ठीक है? तो ये मैं क्षमा चाहता हूं कि जो एडवांस वाली बात है कि अगर कस्टमर देगा कहाँ जाएगा, सप्लायर देगा कहाँ जाएगा, अगर थोड़ा सा एक बार और प्रयास करता हूँ साइड में लेकर के, ध्यान देना। अब सप्लायर वर्ड का मतलब तो पता होगा, जिससे सामान खरीदते हैं, ठीक है जी? तो अगर एडवांस हमने दिया, एडवांस टू सप्लायर, सही है, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा एसेट्स होगा, एसेट लिख लो या करंट एसेट लिख लो, वेल एंड गुड अगर करंट एसेट लिख लो तो सही है। और लेकिन अगर एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर कौन होते हैं, ग्राहक, जिससे हम जिसको हम सामान बेचते हैं, तो ये क्या होगा, ये लाइबिलिटी होगा, और लाइबिलिटी में भी क्या होगा, करंट लाइबिलिटी। अगर समझ पाओ तो इस बात को, गहरी बात है, सही है, क्योंकि अभी जो बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मोटा मोटा 90% बातें हैं, 10% मैंने छुपा के रख ली, और 10% में ये भी आता है, ये 90% में नहीं आता। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर ये बात समझ में आ गई तो सही, और ना आई तो कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद लपेटेंगे, ओके? वैसे क्या है ये, क्या ये बोलो, जन्नत समझ में आया, नहीं आया समझ में, इसलिए मैंने कहा, ठीक है? अगर मैंने अपने किसी सप्लायर, सप्लायर कौन होते हैं, जिनसे हम उधार में सामान खरीदते हैं, उससे अभी मैंने सामान तो खरीदा ही ना, पहले एडवांस में पैसा दे दिया, हो जाता है ना कई बार, अगला बंदा कहता ना भाई पहला एडवांस लूंगा बाद में सामान दूंगा, तो एडवांस दे दिया तो वो एडवांस कहाँ जाएगा, करंट एसेट्स में। और इसी तरह मेरा भी एक कस्टमर था, वो मेरे को कह रहा जी सामान दे, तो मैंने क्या कहा, एडवांस लूंगा भाई, वो एडवांस दे गया तो उसको कहाँ रखूंगा, करंट लाइबिलिटी में। ये अकाउंट की गहराइयां हैं। लेकिन अगर एक बात बताऊं मैं आपको, एक नियम बनाया किसी ने, उस बंदे का नाम मेरे को आज तक याद नहीं हुआ जिसने ये रूल इजाद किया, कि 80-20 का नियम होता है, कि किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करें ना तो 80% लोगों को सिर्फ 20% नॉलेज होती है, और 20% लोगों को 80% नॉलेज होती है। अगर तुम ये वाली बात समझ लो, ये वाली, तो तुम 20% में चले जाओगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मोटी मोटी बातें तो आसान है, लेकिन कुछ गहरी बातें होती हैं जिनको समझने के लिए बुद्धि लगानी पड़ती है, तो ये बुद्धि लगाने का काम मैं तुम्हें ही दे देता हूँ, लगा लियो भाई, 24 घंटे पढ़े, कल मुलाकात होगी, कल पूछूंगा कि अगर सप्लायर को एडवांस दिया तो कहाँ जाएगा, करंट एसेट्स में, और कस्टमर से एडवांस लिया तो करंट लाइबिलिटी में, सही है? चलो तो आगे चलते हैं। चलिए, लोन एंड एडवांस एसेट्स हो गया, अब इसके बाद में यहां पर आता है एक वर्ड होता है डिपॉजिट एसेट्स, जो अकाउंट में बड़ा चलता है, डिपॉजिट एसेट्स। ये सारे तुम्हारी फिल्म के किरदार हैं, बाबा राम रहीम की मूवी देखी होगी, उसमें वो अपनी अपनी मनपसंद के किरदार बनाया करता, खुद अपने आप में भगवान बन जाया करता, देखी होगी, तो ये हमारे अकाउंट की फिल्म है। मैं पढ़ाऊं और चाहे कोई मास्टर पढ़ाए,
इनके बिना तो अकाउंट की फिल्म ही ना पूरी होनी, इनके बिना तो टैली पल्ले नहीं पड़नी यार। यही तुम्हारे हीरो हीरोइन है, रिलेटिव विलेन सब यही है, यही आएंगे पूरे टैली मोड नहीं है ना कुछ भी, डिपॉजिट एसेट्स। अच्छा भी एक बार देखो कहानी का मजा क्या है, इसके साथ भी एसेट शब्द जुड़ गया, तो एसेट सब जुड़ गया तो ये पहचानने में समस्या दिक्कत आ ही ना सकती कि ये भी कहां जाएगा, करंट एसेट्स में जाएगा। सही है बोलो, और डिपॉजिट एसेट्स में कौन सा पैसा आता है बताऊं? मैं थोड़ा सा लाल अक्षरों में लिखूंगा, मैं रेड कलर का कलर इस्तेमाल तब करता हूं जब कोई विशेष बात होती है। अगर आपने कहीं पर कोई सिक्योरिटी जमा करवाई, क्या जमा करवाई? सिक्योरिटी। लेकिन वो सिक्योरिटी कौन सी है? रिफंडेबल है। मैंने एक दुकान किराए पे ली, मकान मालिक ने 50,000 रुपये सिक्योरिटी के जमा करवा लिए कि भाई तू तू किराएदार है, कल ना दुकान में नुकसान करके चला गया तो मैं पैसे कहाँ से वसूल करूंगा। लेकिन ये सिक्योरिटी कैसी है कि अगर मैंने दुकान सही सलामत वापिस दे दी तो मेरे को ये पैसा वापिस मिलेगा। इसी प्रकार से BSNL का फोन लगवाते हैं, उनको भी सिक्योरिटी देनी पड़ती है, बिजली का मीटर लगवाने पड़ते हैं तो उनको भी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। आपने यूनिक कंप्यूटर सेंटर में एडमिशन लिया, रेखा मैडम ने कहा कि 20,000 रुपये सिक्योरिटी के लूंगी। बोले जी क्यों? बोले जी बड़ा कंप्यूटर तोड़ दिया हुआ है, कुछ और नुकसान कर दिया हुआ है, अगर आपके बच्चे ने नुकसान ना किया तो पैसे वापस मिल जाएंगे, और अगर आपके बच्चे ने नुकसान किया तो जैसे जैसे वो नुकसान करेगा हम पैसे काटते चलेंगे। तो वो क्या चल रही है? वो एक रिफंडेबल सिक्योरिटी है। सही है। अच्छा यूनिक कंप्यूटर सेंटर वाला तो मजाक है, कोई कोई नया बच्चा बैठा सोच रहे तो अच्छा कलेश का हाथ लगाया, अच्छा सेंटर में गए, ये तो सिक्योरिटी मांगा फीस भी मांगा है, ये मैं मजाक कर रहा हूं ठीक है। लेकिन क्या आपको ये समझ में आया कि अकाउंट्स में डिपॉजिट एसेट्स में कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी? सिक्योरिटी वाली, और सिक्योरिटी में भी वो सिक्योरिटी जो वापस मिलेगी। हाँ आया समझ में? और द वन इज द बेस्ट वर्ड इन द अकाउंटिंग फील्ड है, जिसको हर कस्टमर पसंद, सॉरी जिसको हर बिजनेसमैन पसंद करता है, दैट इज अकाउंट की भाषा में जिसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स, लेकिन कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं? ग्राहक है, मेरा ग्राहक मेरा भगवान है, जो हमारे से सामान खरीद के लेके जाते हैं। सही है, तो वो हमारे कस्टमर होते हैं। अब कुछ कस्टमर तो नगद में लेके जाएंगे, जो नगद में लेके जाते हैं उनका तो अकाउंट्स भी मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो उधार में लेके जाते हैं उनका तो लिखना पड़ेगा ना कि इससे इतना पैसा लेना है। तो वो जो हमारे से सामान खरीदते हैं और वो जो हमारे से उधार में सामान खरीदते हैं उनको क्या बोलेंगे? सन्ड्री डेटर्स। और सन्ड्री का तो मतलब वही है, विविध अनेकों प्रकार का, और डेटर्स का मतलब है यहाँ पर बोलो, एक तो ये कह सकते हो ग्राहक कस्टमर, और एक बोल सकते हो देनदार। हाँ अगर यहाँ पर इसके सामने ये वर्ड लिख दें देनदार तो गलत ना होगा। सही है। और वो क्रेडिटर कहाँ पर गया? ये रहा। और यहाँ पर क्या लिख दें? लेनदार, तो गलत ना होगा भाई। आया समझ में? बोलो पक्का? अब मेरा एक सवाल है यहां पर कि करंट एसेट्स में मैंने आपको 6 बातें पढ़ा दी, कितनी बातें पढ़ा दी? 6 बातें। अच्छा 6 की 6 यू पहचाननी कि भाई ये एसेट्स में जाएंगी, और एसेट्स के भी कहाँ जाएंगी? करंट एसेट्स में। तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि भाई देखो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। जो दुकान के अंदर सामान है उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक इन है। सही है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक। सही है ओके। और नगद पैसा, बैंक में पैसा, मैंने किसी को लोन दे रखा है या एडवांस दे रखा है, डिपॉजिट एसेट्स। अब देखो मैं सर ये शब्द बोल रहा हूं तो आपको अब इसका अर्थ पता होना चाहिए, और क्या है? सन्ड्री डेटर्स। ये टोटल 6 प्रकार की मैंने लिखवाई है करंट एसेट्स, और फिर भी मैं कहूंगा कि मैंने मोटी मोटी लिखवाई है,
ना कि बिल्कुल एक एक बात लिखवा दी। सही बात है, अब इसमें तो वो भी तो आना चाहिए एडवांस टू सप्लायर, लेकिन मैंने नहीं लिखवाया क्योंकि मोटा मोटा यही चलता है। गॉट इट। चलिए बाहर वापिस आते, ऊपर इससे ऊपर क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट। अब मान लो मैंने एक बिजनेस शुरू किया 5 लाख रुपए लगा करके, 5 लाख में से 2 लाख का तो मैं सामान लिया, 1 लाख रुपए फर्नीचर बिजली के सामान पर लग गया, दुकान चालू होगी। अब मेरे हाथ में 2 लाख रुपए बचे हुए थे, तो मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए तो बैंक में डलवा दिया ताकि मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं दुकान के पर्पस से। दुकान का भी तो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। सही बात है, उसी के द्वारा तो लेना देना होगा। अब बहुत सारी दुकानें वो कहते हैं जिन कैश नहीं लेते हम, या तो चेक दो या हमारे अकाउंट में पैसा दो, तो वो कैश में लेना देना करते ही नहीं, तो उनके लिए बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो ये जो अकाउंट खुलवाया वो इसलिए तो खुलवाया है ये वाला, ताकि हम बैंक से लेन देन कर सकें। सही है, बोलो। ये नगद हो गया, ये सामान हो गया। अब मान लो मैंने सोचा यार मेरे पास में 1 लाख रुपए बच गया, क्यों ना बैंक में इसकी एफडी करवा दूं। बैंक वालों ने कहा जी डाल दो और 7-8 साल में डबल करके दे देंगे, यही आ रही ना एवरेज। तो वो मेरी क्या है, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है। आपने कहीं पर कोई पैसा जमा करवाया, बैंक में करवाया, किसी कंपनी में करवाया, और उन्होंने आपको कहा जी हम आपको इतना रिटर्न देंगे, 1% होती है ब्याज की, मान लो कह रहे जी 8%, 10%, 12%, 15% के हिसाब से क्या देंगे, वो आपको रिटर्न देंगे। रिटर्न का मतलब उसके ऊपर ब्याज लगा के देंगे। तो उसमें क्या होता है कि वो पैसा कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है। पहले तो 5 साल में डबल हो जाता था, लेकिन अब बैंक के जो ब्याज के रेट है वो कम हो गए हैं। सही है, तो वो क्या आपकी एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट है। क्या है वो, इन्वेस्टमेंट है। और अब आ जाओ यहाँ पर जो सबसे मेन बात होती है, कि मैंने जब दुकान में 5 लाख रुपए लगाए, तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, एक दुकान ली। अब दुकान अगर मैंने मोल ली होगी तो मेरी फिक्स एसेट्स है, किराए पे ली है तो मैं बस किराया भरूंगा, बात खत्म। अब मान लो मैंने रेंट पे ली है, तो उसके लिए मुझे दुकान को दुकान बनाने के लिए पहले कुछ तो काम फर्नीचर का करवाना पड़ेगा, बिजली के इंस्ट्रूमेंट लगवाने पड़ेंगे। क्यों भाई, आने जाने के लिए अगर मुझे स्कूटी बाइक या कार चाहिए है, तो फिक्स्ड एसेट्स ऐसी संपत्ति होती है जिसका हम लोग उपभोग करते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, मतलब इस्तेमाल करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में वो चीजें ना होती कि जिसको खरीदा और बेचना है, फिक्स्ड एसेट्स में वो चीज आती है जिसको खरीदा और निकट भविष्य में तो इस्तेमाल करना है, आगे साल 2 साल इस्तेमाल करके बेच दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा जाता। अब अगर इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो मान लो अगर मेरी एक फैक्ट्री है, तो बहुत सारी मशीनरी लगा रखी होंगी, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर लगा रखे होंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगा रखे होंगे। क्यों भाई, तो ये सारे क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब ये लो, अगर कहते हो तो एग्जाम्पल लिख देता हूँ, आपको समझने में सुविधा रहेगी। भाई मेरे पास कार है, सही है, आजकल कंप्यूटर से लैपटॉप एक ही बात है, ठीक है जी, मशीनरी है, फर्नीचर है, सही है, और बताओ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है। अब अलग अलग ना लिख के मैंने इकट्ठा ही लिख दिया, अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से कुछ आ गया जो तुम्हारे मन में आया उसका नाम बोल दियो, स्पेलिंग गलत है मेरे ख्याल से इक्विपमेंट्स की, EQUIP। अभी भी गलत, सही है, और बोलो, एटसेट्रा कर देता हूँ। सही है भाई, और अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बताऊं, तो इन्वेस्टमेंट मान लो मैंने कहीं पर कोई एफडी करवा रखी है, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये लो जी, मान लो मैंने कहा कि एफडी एट PNB बैंक, ये इसका एग्जांपल हो गया। करंट एसेट्स में मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत ही ना है, स्टॉक इन एंड कैश, बैंक लोन एंड एडवांस एसेट्स, डिपॉजिट एसेट्स, ठीक है जी,
डिपॉजिट एसेट्स में अगर आप लिखना चाहते हो तो सिक्योरिटी फॉर शो लिख सकते हो इसके अंदर। सही है भाई, बोलो क्लियर है। अब मैं आपको एक बार मौका देना चाह रहा हूं कि आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये मैंने आपको जो बताए टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी से लेकर के और यहां तक अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। ये तो मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, इसकी चिंता ना करियो कि सर मैं इसको लिख लूंगा, वो तुम्हारी मर्जी, लिखना चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो मत लिखो, कोई विशेष यहां नहीं पड़ेगा। सही है? हाँ जी, जो बच्चे ऑनलाइन है मैं एक बार उनको सुनना चाहूंगा कि यहां तक अगर कोई ऐसी बात मैंने पढ़ा दी है जो आपकी समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो, हाँ सर जी सर, अगर कोई ऐसी बात है जो मैंने पढ़ा दी और आपकी समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। वो अपन शेयर बॉन्ड डिबेंचर इसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड वो भी इन्वेस्टमेंट में आते क्या, करंट एसेट में आएंगे या ऊपर आएंगे? इधर या इन्वेस्टमेंट में आएंगे? हाँ जी, वही बोलिए। तीन चार पकड़ रहे थे ना कि मैंने ये इन्वेस्ट इन बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड ऐसे। हाँ, एनएससी के भी तो बॉन्ड खरीद रहे थे ना हम लोग, वो सारी इसी में आएंगे, इन्वेस्टमेंट के अंदर आएंगे। ओके ओके। या मान लो आपने कोई पॉलिसी वगैरह ऐसी ले ली है जिसमें आपको पर मंथ देना पड़ता है, सालाना देना पड़ता है, लेकिन वो दुकान के नाम से होना चाहिए, फर्म के नाम से, ना कि दुकानदार के नाम से। अब कई बार क्या होता है, छोटी दुकानदारी में LIC करवा दी, अब LIC बंदे ने, दुकानदार ने अपने नाम से करवा रखी है तो उसकी ट्रांजेक्शन नहीं आएंगी यहाँ पर। ये पॉइंट थोड़ा समझने का है। मैंने पहले बताया था कल कि हम दुकानदार का अकाउंट ना लिखें, हम किसका लिखेंगे, दुकान। तो जो भी मान लो नेशनल सेविंग बॉन्ड आपने लिए हैं, डिबेंचर ले रखे हैं, व्हाटएवर जो भी है, किसी प्रकार की आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो उनके ऊपर किसका नाम होना चाहिए, फर्म का नाम होना चाहिए, तब वो आपकी फर्म में आएंगे। सही है? चला गया। अनि हेल्थ इंश्योरेंस जो काढ़ा होगा तो ऐसा उसके लिए। हाँ, इंश्योरेंस दुकान का तो होगा नहीं, वो तो बंदे का होगा जी। हाँ, बंदे का, सॉरी, वो तो वो इसमें नहीं आएगा जी, वो ड्राइंग में आ सकता है क्या? हाँ, वो मैं आपको आगे बता दूंगा कहाँ आएगा, वो बाद में कैपिटल अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। ओके ओके ओके। आप उसको ड्राइंग में दिखाना चाहते हो, ड्राइंग में दिखा दो। LIC अलग से अकाउंट बनाना चाहते हो, अलग से बना लो। चलिए, अभी जो भाई साहब ने सवाल किए वो अभी मैं आपको नहीं समझाना चाह रहा, वो तो हम लोग जब अकाउंट्स फाइनलाइजेशन का पढ़ाई करते हैं ना तो वहां समझाई जाती है वो बातें कि फर्म में से पैसा इस काम के लिए निकाला, तो एक जूनियर अकाउंटेंट कहता सर मेरे को समझ में ना आए मैं इसको कहाँ डालू, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ जाएगा, अकाउंट्स फाइनलाइजेशन का टॉपिक होता है। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़े, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि दो शब्द और सिखा दूं आपको। दो शब्द रह गए ना, एक क्या रह गया, एक्सपेंसेस, और एक क्या रह गया, इनकम। आज इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, इनको ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ये लो यहां पढ़ रहा हूं मैं। अब यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, खर्चे। ये तो मेरे ख्याल सबको पता होगा, कोई ऐसा होगा जिसको ना पता हो? तो अब आप जब बिजनेस करेंगे तो खर्चे भी तो होंगे भाई, तो उनको भी पढ़ लो थोड़ा सा। ये लो, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। और एक बहुत जरूरी चीज आने वाली है अब यहाँ पर, ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं। ये लो, एक लाइन और निकाल देता हूं। मेरा बिना कुछ खाए अड़का रहा हो भाई। ये लो, टाइप्स ऑफ एसेट्स, सॉरी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बोले तो खर्चे, खर्चे बोले तो ये को बात हुई। डिफाइन, डिफाइन एक्सपेंसेस। हाँ, आप एग्जांपल तो दे रहे हो लेकिन मैंने कहा डिफाइन एक्सपेंसेस, तुम तो एग्जांपल दे रहे हो। एक ऐसा कर्म
जिसको करने के लिए पैसा देना पड़े क्योंकि ये जो ना खर्चा और इनकम थोड़ा गहराई से समझे तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट पढ़े ना स्कूल में, विलोम शब्द, ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बड़े करीब होते हैं और एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अब ध्यान देना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस और टाइप्स ऑफ इनकम। अब ये एक ऐसा शब्द अकाउंट का जिसको डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, बच्चा खुद बता देता, हाँ सर ये क्या है, ये खर्चा है। आपने फीस दी तो तुम्हारा फीस क्या है, और मैंने फीस ली तो मेरा क्या है। इनकम हाँ तो तुम ये ना कह सकते सर टेलीफोन सैलरी ये क्या खर्चा है। अरे जो देता है इनकी वजह से, जो पैसा देता है उसका तो खर्चा है, लेकिन जिसके पास में गुलाबी नोट आते हैं, हैं गुलाब प्याज का तो कलर भी अजीब अजीब से बना दिए, तो उसका क्या है, उसकी तो वो इनकम है। ये बात समझना चाहिए आपको, इन दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है। ठीक है, तो ऐसे अकाउंट्स जो बिलोंग करते हैं रोजाना के खर्चों से या मंथली खर्चे पे, या कुछ ऐसे होते हैं जो ईयरली भी करने पड़ सकते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं कि आप तो 5 साल में एक बार करना पड़े। खर्चे का एक साइकिल मतलब वो होता है, राउंड लगा लो। कुछ खर्चे डेली बेसिस के होते हैं, कुछ वीकली, कुछ मंथली, कुछ ईयरली, कुछ क्या पता 5 साल में एक बार आए। लेकिन उनमें कॉमन बात क्या है कि वो जब भी आएंगे वो उनके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ इनकम क्या है कि वो जब भी घटित होगा, वो इंसिडेंट जब भी घटित होगा, वो आपको क्या देगा, इनकम देगा, मतलब पैसा देगा। ओके चलिए अब समझते हैं कि अकाउंट की भाषा में समझेंगे या टैली के अनुरूप समझेंगे कि हमारे यहाँ पर क्या क्या खर्चा होता है। मैंने एक दुकान कर ली, अब दुकान कर ली तो मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा जो खर्चा होगा ना वो पता क्या होगा, वो होगा मेरा परचेजिंग। क्या होगा, परचेजिंग। ध्यान देना, परचेज अकाउंट लिखवा रहा हूं, फिर यहां पर बताऊंगा मैं आपको कि मैंने यहां क्यों लिखवाया। सही है, परचेज अकाउंट लिखवाया, फिर उसके बाद मैं लिखवाता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस और फिर लिखवा देता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीन बातें मैं आपको यहाँ पर आना चाहूंगा, बस तीन बातें। सही है, लेकिन सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट होता है यहाँ परचेज अकाउंट। अब मैंने दुकान कर ली, तो दुकान कर ली तो पहले सामान क्या करना पड़ेगा, सामान मतलब गुड्स, गुड्स मतलब इन्वेंटरी खरीदनी पड़ेगी, तो खरीदने को क्या बोलते हैं, परचेजिंग बोलते हैं। लेकिन ये जो परचेजिंग है, पॉइंट्स टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये वो परचेजिंग है जो मुझे आगे क्या करनी है, जिसकी आगे ट्रेडिंग करनी है, मतलब वो आगे मुझे बेचना है। ये वो चीज नहीं हो सकती कि जो ना बेचना हो, काला बाजारी ना कर सकते तुम, समझ रहे हो। और अगर तुमने इसको बेचने के लिए ना खरीदा तो फिर ये तुम्हारी फिक्स्ड एसेट्स है। दो ही बातें होती हैं, या तो सेल्फ यूज करो या कंपनी यूज करो, और या फिर क्या करो उसको आगे बेचो। सरकार ऐसा ना कहती कि दबा के रख लो सामान। सही है, तो वो गुड्स वो सामान जो मैंने बेचने के लिए खरीदा वो किस में आएगा, परचेजिंग में आएगा। यही है इसकी सही परिभाषा। अब मान लो मैं कंप्यूटर का दुकानदार हूं और मेरा कंप्यूटर सेंटर भी है, तो जो सामान जो कंप्यूटर में बेचने के लिए खरीद के लाया वो तो मैं कहां पर रखूंगा, परचेज अकाउंट में, और जो सेंटर में लगा लिए वो कहां रखूंगा, फिक्स्ड एसेट्स में। मान लो मैं 10-10 हजार रुपए के 10 कंप्यूटर लाया और मैंने कह दिया अभी 8 कंप्यूटर तो दुकान में रख लो सेल्स के लिए और 2 कंप्यूटर लगा लो इंस्टीट्यूट में, तो 2 कंप्यूटर का वैल्यू तो कहाँ जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स में जाएगा, और 80 कंप्यूटर का वैल्यू कहाँ जाएगा, हाँ परचेज अकाउंट में, और बिल एक ही होगा। ऐसी अजीब अजीब सी एंट्रियां अगर जो लोग प्रैक्टिकल काम करते हैं वो कहेंगे जी ऐसे हमने तो कभी की नहीं, लेकिन करनी पड़ सकती, अकाउंट तो यही कहता है। क्यों भाई, अब जब मैं दुकानदार से सामान खरीदूंगा तो मैं ऐसा थोड़ा बोलूंगा कि 2 कंप्यूटर का बिल अलग बना और 8 कंप्यूटर का बिल अलग बना, ना इकट्ठा बनता है। सही है, तो अब अकाउंटेंट कहेगा यार मेरे को कैसे पता चलेगा कि
तेरा बॉस बताएगा, तेरा मालिक बताएगा कि वो क्या करेगा, वरना तू तो 10 के 10 कहाँ डाल देगा परचेजिंग में, आया समझ में? और तूने 10 परचेजिंग में डालने हैं, उसने आके फिर बाद में ठीक करवाना है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि परचेजिंग में वो आएगा कि जो आपने गुड्स खरीदा बेचने के लिए। क्लियर है पॉइंट? बोलो। अब आ जाते हैं, मान लो मेरा एक फैक्ट्री है। क्या मान लो? एक फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री के अंदर वस्तु का उत्पादन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो जब किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा किया जाता है, वे तो आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और अब वस्तु बन के तैयार हो गई है, प्रोडक्ट आपने बना लिया, अब प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी तो करनी पड़ेगी, मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी। अब उसके लिए आउटलेट्स खोलने पड़ेंगे, दुकानें खोलने पड़ेंगे, शोरूम खोलने पड़ेंगे। तो वो सारा किस में चला जाएगा? वो सारा चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनके बारे में आपको पूरा विस्तार पूर्वक आगे पढ़ाया जाएगा, एक दिन का पूरा क्लास तो ये दोनों ले जाएंगे आराम से। जैसे मूवी में ना था रिकैप, आइए अब आपको इनके बैकग्राउंड में लेके चलते हैं। तो जिस दिन ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, उस दिन पूरा एक दिन लगेगा कि आओ आज खर्चों की दुनिया में घूम के आते हैं। कि जो खर्चे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कौन-कौन से होते हैं, सही है? तो वो एक स्पेशल क्लास अलग से ऑर्गेनाइज की जाएगी। इस क्लास में बस इतना ही बता के छोड़ देता हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कॉमर्स वाला बच्चा है तो 1 सेकंड लगाएगा, कहेगा सर फैक्ट्री वाला खर्चा तो कहाँ दिखा दो, डायरेक्ट में, और दुकान का ऑफिस का खर्चा कहाँ दिखा दो, इनडायरेक्ट में। थोड़ा सा और अगर इलोबरेट करें तो मैं क्या कहूंगा कि किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो खर्चा है वो कहाँ आएगा, डायरेक्ट में। और ज्यादा डिटेल में बताऊं तो आपने कोई रॉ मेटेरियल कच्चा माल खरीदा, और खरीदते हुए कच्चे माल को अपनी फैक्ट्री तक लेके आने पे जो खर्चा हुआ किसी भी प्रकार का, वो सारा कहाँ जाएगा, डायरेक्ट में। उसके उत्पादन के समय जो भी खर्चा हुआ किसमें जाएगा, डायरेक्ट में। पैकिंग तक, जब तक वो पैक ना हो जाए सेल के लिए, और जो ब्रांड पैक हो जाएगा, अब तैयार हो गया, अब यहां तक का सारा खर्चा कहाँ डालना है, डायरेक्ट में। चाहे कितना ही हो, चाहे 1 चवन्नी भी ना हो, और हो सकता लाखों, वो कहाँ जाएगा सारा, डायरेक्ट में। अब माल तैयार हो गया, अब उसको बेचने पे जो खर्चा होगा वो कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट में। ये है इसका सही विस्तार पूर्वक विश्लेषण। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, और वीडियोस भी देखते होंगे बाद में ताकि चीजों को पकड़ कर सको। चलिए अब इसी तरह से आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इनकम में। अब जो टाइप्स ऑफ इनकम होती हैं, मुख्य तौर पे ये भी 6 प्रकार की होती है, सॉरी 3 प्रकार की। ये लो, इसमें होता है एक तो सेल्स अकाउंट, और एक होता है इसमें डायरेक्ट इनकम, और एक होता है इसमें इनडायरेक्ट इनकम, और इसके बाद क्लास फिनिश कर देंगे। ये लो, अब मैं एक दुकानदार हूं, मैंने दुकान कर ली रेडीमेड गारमेंट्स की। तो मैं जो माल बेचूंगा तो वो क्या कहलाएगा, वो मेरा सेल्स कहलाएगा, सही है? भी कितने की सेल्स हुई आज, पूछते नहीं कितने की नकद हुई, कितने की उधार में हुई, तो सेल्स हो गया एक। तो क्लियर है पॉइंट? सेल्स किसको करोगे, किसको बेचोगे? नहीं, हाँ कस्टमर को बेचोगे। क्या बेचोगे? सामान। कौन सा सामान? हाँ, जो हमने दुकान में स्टॉक रखा था, स्टॉक या फिर गुड्स। सही बात है, ये थोड़ा समझ लियो, यहाँ पर गहराई होती है। क्योंकि पता है क्या है कहानी में, क्या होता है कि कई बार लोग गलत कर देते हैं। वो एंट्री जानी तो थी परचेज अकाउंट में और दिखा देते हैं फिक्स्ड एसेट्स में, या वो एंट्री जानी तो थी फिक्स्ड एसेट्स में दिखा दी कहाँ पर, परचेज में। अब एक कपड़े का व्यापारी है, वो अपने कपड़ा खरीदता है बेचता है। अब उसने क्या किया, अपनी दुकान के लिए पर्दे ले आया, बड़े महंगे पर्दे ले आया। अब पर्दों को कहाँ डालोगे, अब पर्दा तो क्योंकि कपड़ा है। अच्छा तुम्हें बस इतनी नॉलेज है कि इसका बिजनेस जो कपड़ों का है, तो कपड़ा खरीदा होगा तो किसके लिए खरीदा होगा, बेचने के लिए। ऐसे बिजनेस, ऐसे कामों में गलती हो जाती है कई बार। आ रहा समझ में? बोलो। तो पूछ के करना चाहिए। इनका एक छोटा सा पहचान होता है कि जब खुद इस्तेमाल के लिए खरीदा जाता है तो उसका क्वांटिटी कम होता है, और जब बेचने के लिए खरीदा जाता है तो उसका क्वांटिटी ज्यादा होता है। ये छोटा फर्क बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है।
अब मेरा कंप्यूटर का दुकान है, अब मैं कंप्यूटर खरीद के लाऊंगा तो 5-10 तो लेके आऊंगा कम से कम। अगर मैं एक लेके आ रहा तो संभावना है कि हो सकता है मैं अपने लिए लेके आऊं, मेरे लिए ज्यादा है और दूसरों के लिए कम है, बट समटाइम हो सकता है एक ही दूसरे के लिए लेके आऊं। तो इसका पता कौन बताएगा? इसका पता बताएगा जो आपका सीनियर होगा, जो आपका बॉस होगा। छोटे बिजनेस में तो यही चलता है। छोटे बिजनेस में क्या होता है कि आप डायरेक्ट दुकानदार के संपर्क में होते हो, और जब पार्ट टाइम अकाउंट्स करते हैं तब समस्याएं ज्यादा आती हैं। तो आप पूछ के करोगे, आप भाई ये जो बिल आया है ये तूने इस्तेमाल किया है या फिर बेचने के लिए रखा है? सही है। आओ अब बात करते हैं इनकम की। दो प्रकार की इनकम बताइए, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। आओ स्कूल टीचर का एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्कूल टीचर स्कूल में से सैलरी लेके आता है, तो स्कूल में वो पूरा दिन काम करके आता है ना, 5-7 घंटे 8 घंटे, तो वो तो वो उसका डायरेक्ट इनकम। और घर पे बैठ के ट्यूशन दे रहा है, वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट इनकम। सही है। अतिरिक्त सोर्सेज से आने वाली कमाई। अब मुझे कमीशन आ रहा है, सही है, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम ब्याज। समझ गया? कोई ऐसा बात जो समझ में ना आए तो पूछ। क्लियर है? तो ये आज का पढ़ाई यहाँ पर हम फिनिश करना चाहेंगे, और जब मैं क्लासरूम को एक बार फिनिश करता हूँ ना, तो उसके बाद भी मैं आपको 2 मिनट का मौका देता हूँ कि यदि आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है? हाँ जी, यदि आप कोई बात पूछना चाहते हैं, यदि आपको कोई डाउट है, तो जैसे मैं क्लासरूम को ओवर करूंगा तो मैं बस सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, ध्यान देना, क्लासरूम नहीं छोड़ना होता। रिकॉर्डिंग बंद करके फिर मैं दोबारा आपको लूंगा। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। आज की क्लास लगाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, सब्बा खैर।